हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप लोग से शेयर करूंगी आज मैं चावल की खीर की रेसिपी। खीर एक ऐसा मीठा है जो कि हर त्यौहार पे बनाई जाती है, छोटे त्यौहार हो या बड़े त्यौहार हो, खीर तो बनता ही है। और ऐसे भी हमें मीठा खाने का मन होता है तो हम खीर जल्दी बना लेते हैं। तो चलिए हम खीर बनाते हैं आज। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो कृपया आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। खीर बनाने के लिए 1 लीटर फुल क्रीम दूध ली हूँ, इसे रख दी हूँ गैस पे उबलने के लिए। जब भी खीर बनाए तो फुल क्रीम दूध का ही यूज करें। वैसे तो किसी भी दूध का खीर बन जाएगा लेकिन फुल क्रीम का ज़्यादा टेस्ट आएगा। जब गाढ़ा हो जाएगा दूध, उबलते उबलते थोड़ा सा कम हो जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। चलाते रहेंगे इसे, हाई फ्लेम पे उबाल लेंगे, उसके बाद फ्लेम को लो करके इसे खीर बनाएंगे। ऐड कर देती हूँ इसमें चावल, 100 ग्राम चावल ली हूँ मैं। जब भी खीर बनाएं तो छोटे चावल का ही यूज करें तो अच्छा बनेगा खीर। अब लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे, 25 से 30 मिनट लग जाता है खीर बनने में। लो फ्लेम पे रख देंगे, तब तक हम दूसरा भी काम करते रहेंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे, लेकिन ध्यान रहे फ्लेम को हाई ना करें। इस प्रकार से पकाते पकाते जब 90% पक जाएगा चावल हमारा, चेक कर लेंगे, तब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। पक चुका है 90%। चीनी भी ली हूँ मैं 100 ग्राम। आप अपने मीठा के हिसाब से चीनी की मात्रा को घटा या बढ़ा सकते हैं। फ्लेम को लो ही रहने देंगे और मिला लेंगे इसे, 5 मिनट तक और पकाएंगे। अच्छे से मिल चुका है चीनी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स और इलायची। 1 इलायची को कूट करके ऐड की हूँ। इसे मिला करके फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। कभी कभी किशमिश अगर खट्टा होता है तो दूध फट जाता है, इसीलिए इसे लास्ट में ही मिलाएं और मिला करके फ्लेम को ऑफ कर दें। तैयार है हमारा खीर सर्व करने के लिए। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को हैप्पी आद्रा। ओके, बाय।